झारखंड राज्य में मधुमक्खियों का हमला, मधुमक्खियों की वजह से आया लोगों की जान पर खतरा। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे झारखंड के रांची जिले में तुपुदाना इलाके में मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें ही परिवार के 4 सदस्यों की जान चली गई। घटना शनिवार को हुई, जब एक महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रांची के तुपुदाना क्षेत्र में हरदाय गाड़ा टोली स्थित अपने मायके गई थी। वहाँ अपने सभी बच्चों और गांव के कुछ लोगों के साथ नहाने के लिए चुआ पर गई, लेकिन मधुमक्खियों के झुंड ने फंस गई। अचानक मधुमक्खियों का झुंड का चुआ के पास पहुंच गया और बच्चों को काटने लगा। मधुमक्खियों के झुंड को देखकर सभी भागने लगे, लेकिन गांव कुएं के काफ़ी ऊंचाई पर था। मधुमक्खियों का झुंड लोगों का पीछा करता लगा और महिला ज्योति गाड़ी और 3 बच्चों के शरीर पर चिपक गई। ग्रामीण कंबल आदि लेकर बचाव के लिए पहुंचे और किसी तरह ज्योति गाड़ी और बेटी मोनिका बरला और रोहन गाड़ी के पास पहुंचे और उन सबको हरदास गड्ढा टोली लाया गया। मौके पर ही 2 बच्चों की जान चली गई। ज्योति गाड़ी की बेटी मोनिका बरला और मुनीषा बरला के गांव में ही मौत हो गई। ज्योति गाड़ी और रोहन गाड़ी को गंभीर हालत में रिम्स भेजा गया। जब भर्ती नहीं हो पाने के कारण दोनों को तुरंत निजी अस्पताल तुपवाना में भर्ती कराया गया, जहां ज्योति गाड़ी और रोहन गाड़ी की भी जान चली गई। रविवार को महिला और बच्चों का शव जैसे ही कौसाम्बी गांव पहुंचा, वहां मातम छा गया और लोग दहाड़ मार कर रोने लगे। इस दर्दनाक घटना ने एक परिवार को तबाह कर दिया। मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला और उसकी 3 बच्चियों की जान चली गई। ये घटना झारखंड के रांची जिले के तुपवाना इलाके में शनिवार को हुई। महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ अपने मायके गई थी, जहां वो अपने सभी बच्चों और गांव के कुछ लोगों के साथ नहाने गई थी। ये एक बेहद दर्दनाक और विनाशकारी घटना है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। मधुमक्खियों के झुंड के हमले में फंसने से बच्ची और महिला की मौत हो गई। ये घटना झारखंड के रांची जिले में शनिवार को हुई, जब एक परिवार नहाने के लिए चुआ पर गया था। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।